नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम है सन्नी राणा और आप देख रहे हैं टेक्निकल सन्नी। दोस्तों, मैं लेके आपके लिए बेहतरीन टेक न्यूज। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, टेक न्यूज स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, यह है एक हिंदी टेक्निकल चैनल। यहाँ पर जो भी वीडियो मिलेगी, किसी भी मोबाइल से, गैजेट से या पीसी से जो वीडियो मिलेगी, आपको सभी चीजें हिंदी में मिलेंगी। यानी दोस्तों, हिंदी में आपको उन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन या टेक न्यूज दी जाएगी। दोस्तों टेक न्यूज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला अपडेट निकल गया था, सैमसंग गैलेक्सी A9 2018 इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है। दोस्तों, फोन इतना खास क्यों है उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, क्योंकि फोन खास होने की वजह, बैक के अंदर आपको चार कैमरास मिलते हैं, यानी क्वाड कैमरास का सपोर्ट मिलता है। बैक के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार कैमरास, चार रियर कैमरास इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। साथ में एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, जो कि इंडिया के अंदर यह सैमसंग गैलेक्सी A9 2018 लॉन्च हो चुका है। दोस्तों, जाइए कहीं से परचेज कीजिए। आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, कहीं से भी आप इस फोन को परचेज कर सकते हैं। चाहे तो आप किसी शॉप से भी इस फोन को परचेज कर सकते हैं। अवेलेबल हो चुका है इंडिया की मार्केट के अंदर। नेक्स्ट हमारा अपडेट निकल के आता है आईटेल की तरफ से। फाइनल दोस्तों, आईटेल A44 पावर जो कि इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है। दोस्तों, यह फोन इतना खास क्यों है। खास होने की वजह है, इसके अंदर आपको 4000 mAh का बैटरी मिलता है, यानी कि 4000 mAh का बैटरी मिलता है। और साथ में बैक के अंदर आपको ड्यूल रियर कैमराज मिलते हैं, यानी कि दो कैमरा इस फोन के अंदर आपको, ड्यूल रियर कैमराज इस फोन के अंदर, बैक के अंदर आपको मिलेंगे। दोस्तों, एक्साइटिंग बात यह है, क्योंकि 18:9 की डिस्प्ले के साथ में आता है, यानी कि आपको स्मॉल बेजल इस फोन के अंदर देखने को मिलेंगे। और जो बात करते हैं प्राइसिंग, जो प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा चीप है, यानी कि 6000 रुपये, 5999 रुपये में यह फोन अवेलेबल है। जाइए दोस्तों, आप ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं से भी इस फोन को परचेज कर सकते हैं। फोन बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि मैं तो मानता हूँ, क्योंकि इतने चीपर प्राइस में आपको, इतने कम दाम के अंदर कोई भी फोन आपको इतने अच्छे फीचर्स के साथ नहीं देने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा अपडेट निकल गया था दोस्तों, रियलमी U1 जो कि सीरीज स्टार्ट होने वाली है। रियलमी U1 28 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। दोस्तों ये रियलमी ने खुद अनाउंस किया कि रियलमी U1 28 नवंबर को लॉन्च होगा। दोस्तों, फोन बहुत ही ज्यादा खास है। और बात करते हैं फोन के बारे में। दोस्तों, फोन के अंदर आप एक वाटर ड्रॉप नोच देखने को मिलेगी, यानी कि आपको एक हल्की सी नोच इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों फोन बहुत ही ज्यादा खास है। नोच के अंदर आपको कैमराज और जो उसकी सेंसर्स है उस नोच के अंदर आपको मिलेंगे। दोस्तों, बैक की बात करें तो बैक के अंदर आपको ड्यूल रियर कैमराज मिलते हैं, यानी कि डबल कैमराज आपको बैक के अंदर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, स्मॉलर बेजल मिलेंगे और साथ में डिस्प्ले है बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलने वाली है। और खासकर जो प्रोसेसर निकल के आता है, MediaTek Helio P70 का प्रोसेसर इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो कि प्रोसेसिंग या गेमिंग वगैरह आप खेलना चाहते हैं तो कोई लैक इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगी नहीं। 28 नवंबर को यह फोन लॉन्च होने वाला है। दोस्तों, इसी बात पे अपना थोड़ा सा प्यार दिखाइए और साथ में टेक्निकल सन्नी की लाइक कीजिए। नेक्स्ट हमारा अपडेट निकल के आता है यूट्यूब की तरफ से। फाइनल दोस्तों, यूट्यूब ने एक बात रिवील किया है कि आने वाले टाइम तक आप यूट्यूब पे जो भी मूवीज देखते हैं वो आपको पेड करनी पड़ती है, चाहे वो मूवी एक न्यू लॉन्च मूवी हो या एक ओल्ड मूवी हो, चाहे वो हॉलीवुड की हो या बॉलीवुड की हो। खासकर हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवी या चाइनीज मूवी आपको जो कि ट्रेंड में चली होती है मूवी, वो परचेज करनी पड़ती है। दोस्तों, आने वाले टाइम के अंदर यूट्यूब के अंदर एक फीचर अलो हो जाएगा, यानी कि आपको एक अपडेट मिल जाएगा जिसके अंदर आप अपनी मूवीज है पेड नहीं करनी पड़ेगी, आपको पेड नहीं, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बिल्कुल फ्री वो मूवीज आप यूट्यूब के अंदर देख सकते हैं। दोस्तों, यह फीचर जल्द ही अलो होने वाला है, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, देखते हैं फीचर कब तक आता है YouTube के अंदर। और हालांकि दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा USA के अंदर अवेलेबल हो गया है। दोस्तों, आने वाले टाइम के अंदर ये फुल्ली अवेलेबल हो जाएगा और आपको कोई भी, किसी भी, कैसी भी मूवी के लिए आपको पेड नहीं करना पड़ेगा, आपको वो मूवी बाय नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा अपडेट निकल गया था वो है दोस्तों iPhone XR, iPhone XS और iPhone XS Max की तरफ से। फाइनल दोस्तों, एप्पल ने इन तीन मॉडल्स के अंदर कुछ चेंजेस किया है, चेंजेस नहीं दोस्तों, उत्पादना कम किया है, यानी कि जो इनकी मैन्युफैक्चर सी, जो फैक्ट्री के अंदर ये बन रहे थे फोन, उनकी लागत बहुत ही ज्यादा कम कर दी है। दोस्तों, यानी कि ये फोन अब कम से कम आपको इनकी जो ज्यादा होने की वजह से मार्केट के अंदर ये फोन, तीनों मॉडल्स ज्यादा अवेलेबल हो गए थे ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर्स पे। दोस्तों, तो एप्पल ने सोचा क्यों ना, अब उनके पास इस चीज का हिसाब नहीं रहा कि हमारे मॉडल कितने हैं, कैसे, कहां पर कैसे, तो इसलिए उन्होंने फोन की जो कि उत्पादन है वो घटा दी है, पहले से कम कर दी है, यानी कि आपको शॉर्टेज देखने को मिलेगी iPhone XR, iPhone XS Max और iPhone XS के अंदर। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा अपडेट निकल के आता है Xiaomi की तरफ से। फाइनल दोस्तों, Xiaomi A2 जो कि रेड एडिशन वेरिएंट लॉन्च हो चुका है दोस्तों इंडिया के अंदर। दोस्तों, वो फोन बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि एक रेड कलर के साथ में आता है और एक प्रीटी कलर इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों,
6 GB रैम वेरिएंट के अंदर यह रेड कलर एडिशन अवेलेबल है, 18,999 रुपये इसकी प्राइसिंग निकल के आती है। यानी कि दोस्तों आप परचेज करना चाहते हैं रेड कलर एडिशन, वो भी आपको 6 GB रैम के अंदर मिलेगा। आप जाइए किसी भी ऑनलाइन ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन और स्नैपडील के अंदर से दोस्तों, कहीं से परचेज कर सकते हैं। फोन बहुत ही ज्यादा प्रीटी और रेड कलर के साथ में आता है, 19,000 रुपये इसकी, आपको 19,000 इस फोन के लिए आपको देने पड़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा अपडेट निकल गया था असूस जेनफोन 5G की तरफ से, फाइन दोस्तों आपके पास असूस जेनफोन 5G है, फोन बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 की चिपसेट के साथ आता है दोस्तों। इस फोन के अंदर आपको एक अपडेट मिला है, यानी अपडेट रिवील हुआ है असूस की तरफ से, एंड्रॉयड पाई का अपडेट मिला है दोस्तों। जाइए सेटिंग के अंदर और अपडेट कीजिए अपने फोन के अंदर, आपकी फोन की लुक चेंज हो जाएगी, स्क्रीन चेंज होने वाली है और आपके गेस्चर वगैरह कस्टमाइजेशन आपके फोन की टोटली चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों किसका इंतजार है, जाइए और आपके आपके असूस जेनफोन 5G को आप अपडेट कीजिए एंड्रॉयड पाई के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट हमारा अपडेट निकल के आता है रियलमी की तरफ से, फाइल दोस्तों रियलमी सी अवेलेबल हो गया फ्लिपकार्ट के अंदर, जो कि बोनेजा सेल लगी हुई है दोस्तों, जो कि 19 नवंबर से, मैंने आपको इसके बारे में डिटेल दी थी, फ्लिपकार्ट सेल जो कि 19 नवंबर से 22 नवंबर के बीच लगने वाली है दोस्तों। जाइए और वहां से परचेज कीजिए रियलमी C1, जो कि एक बजट फोन है और जो कि एक नोच के साथ में आता है, ड्यूल रियर कैमरा सपोर्ट मिलता है, साथ में आपको एक फेस स्कैनर भी मिलेगा, यानी कि फेस अनलॉक की टेक्नोलॉजी भी इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जो कि 7,000 रुपये की प्राइसिंग में, 6,999 रुपये यानी कि 7,000 रुपये की प्राइसिंग में फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। जाइए दोस्तों परचेज कीजिए, देरी मत कीजिए क्योंकि ये सेल 22 नवंबर तक लगने वाली है और फिर क्या पता ये रियलमी के अंदर, रियलमी जो कि फोन होते हैं बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं जल्दी। तो जाइए दोस्तों रियलमी C1 आप परचेज करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट के ऊपर से परचेज कीजिए। नेक्स्ट हमारा अपडेट निकल के आता है हुआवे की तरफ से, फाइल दोस्तों हुआवे ने एक बात रिवील कर दी है, क्योंकि हुआवे फोल्डेबल 5G फोन जल्द लेकर आने वाले हैं। ये अभी तो हालांकि दोस्तों क्या हो गया, सैमसंग ने भी अभी ये बात रिवील की थी, जो सैमसंग का इवेंट हुआ था उसके अंदर उन्होंने फाइनली शो करा था, क्योंकि वो भी अपना फोल्डेबल फोन जो कि जल्द लॉन्च करने वाले 2019 के अंदर, और हुआवे ने भी ये बात रिवील कर दिया कि हुआवे फोल्डेबल 5G फोन वो भी जो कि मुड़ने वाला फोन जल्द ही लेकर के आने वाले हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों ये फोन कब तक आता है। हालांकि दोस्तों हुआवे ने ये बात खुद कंफर्म की है, जो कि इसकी जो मेन डिस्प्ले है वो कि 8 इंच का साइज होने वाला है, और जो कि फोल्डेबल डिस्प्ले है उसका 5 इंच का साइज होने वाला है। ये बात भी उन्होंने खुद रिवील किया, जो सैमसंग का फोल्डेबल स्मार्टफोन है उससे थोड़ा उसके जो इस हुआवे के फोन फोल्डेबल फोन आने वाला है दोस्तों, उसके जो पैनल्स हैं वो थोड़े से बड़े होने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों ये कब तक अवेलेबल होता है और कब तक आता है और क्या हुआवे इस फोन के अंदर खास लेकर के आता है। खास तो ये है दोस्तों, क्योंकि एक फोल्डेबल है, एक मुड़ने वाला फोन है। चलिए दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट टेक न्यूज निकल के आती है वो है सैमसंग गैलेक्सी A8S की तरफ से, फाइनल दोस्तों A8S जो कि एक बात कंफर्म हो गई दोस्तों, जो कि इसका फ्रंट पैनल लीक हुआ है दोस्तों। ये बात रिवील की है कि इसके अंदर आपको एक जो डिस्प्ले है तो पूरी बेजलेस मिलेगी, यानी आपको इसके अंदर कोई नोच नहीं मिलने वाली है दोस्तों, बट हाँ एक कैमरे का होल मिलने वाला है, जो कि पहले बात हुई थी कि किनारे के अंदर मिलेगा, इस साइड मिलेगा, इस साइड या फ्रंट के अंदर, ये बात खुद रिवील हो गया कि यह है होल जो कि सैमसंग गैलेक्सी 8 इसके अंदर कैमरे वाला होल फ्रंट के ऊपर, यानी कि फ्रंट में मिलने वाला है दोस्तों, की बीच में मिलने वाला है, बाकी फोन के अंदर आपको कोई नोच नहीं मिलेगी, कोई वाटर ड्रॉप नोच नहीं मिलने वाले है। फोन बहुत ही ज्यादा खास और जल्द लॉन्च होने वाला है, देखते हैं दोस्तों ये फोन कैसा होने वाला है। फुल बेजलेस डिस्प्ले मिलेगी, यानी आपको कोई भी इसके अंदर आपको बेजल देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। यही थी आज की हमारी टेक न्यूज। हालांकि दोस्तों अभी तक आपने टेक्निकल सनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर का बटन दिया होगा उसको प्रेस कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना क्योंकि बिल्कुल फ्री है दोस्तों। और साथ में कमेंट कीजिए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, और साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।